नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पे एंडी स्माइल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट लूसेंट बुक ऑफ फिजिक्स करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फ्लोटेशन। दोस्तों, फ्लोटेशन मतलब क्या होता है? फ्लोटेशन मतलब फ्लोट होना। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते। दोस्तों, सबसे पहला आता है फ्लोटेशन में बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स मतलब क्या होता है दोस्तों? व्हेन अ बॉडी इज इमराइज पार्टी और वॉली इन लिक्विड, अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी बाय द लिक्विड इन अपर डायरेक्शन। मतलब दोस्तों, बाउंस होना, यू नो बाउंस मतलब अपर साइड, मतलब उसका फोर्स अपर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। दिस फोर्स बॉयंट फोर्स और फोर्स ऑफ बॉयंसी और अप थ्रस्ट, उसे हम दोस्तों बॉयंसी भी कह सकते हैं। दोस्तों, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एंडे एग्जाम, बिकॉज ये अभी भी 2021 के एंडे क्वेश्चन में आया था, बॉयंट फोर्स कैसा होता है। तो दोस्तों, बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है दोस्तों। इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी एंड एक्ट एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। इट इज स्टडी विद फर्स्ट मेड बाय आर्किमिडीज। दोस्तों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सभी को पता है, उन्होंने ही इसका सबसे पहले स्टडी किया था बॉयंट फोर्स का। बॉयंट फोर्स का आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज इमराइज पार्टली और होली इन अ लिक्विड, मतलब तो पार्टली लिक्विड होता है, मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं होता वो और ज़्यादा ये भी नहीं होता, डीप भी नहीं होता, दैट इज कॉल्ड पार्टली लिक्विड और होली लिक्विड। देयर इज इन अपार्टमेंट लॉस इन वेट, और दोस्तों वहाँ पे क्या होता है? लॉस ऑफ वेट होता है उस बॉडी का, और वो किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, वो इक्वल टू होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ऑन द बॉडी, जो लिक्विड की बॉडी है वो जो डिस्प्लेस होती है उसके बराबर होता है। तो दोस्तों, हम कुछ लॉ देखेंगे फ्लोटेशन के। अ बॉडी फ्लोट इन अ लिक्विड इफ, अगर बॉडी लिक्विड पे फ्लोट हो गई तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी लेस और इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब मटेरियल इज लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द बॉडी फ्लोट फुल्ली समराइज इन लिक्विड इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। When body float in neutral equilibrium, the weight of the body is equal to the weight of displaced liquid. दोस्तों, अब बात करते हैं हम center of buoyancy. Center of buoyancy मतलब क्या होता है? The center of gravity of liquid displaced by a body is called center of buoyancy. मतलब दोस्तों, gravity जो है वहाँ से center में से displace होना, that is called center of buoyancy. दोस्तों, अब बात करते हैं हम मेटा सेंटर की। मेटा सेंटर मतलब क्या होता है? व्हेन अ फ्लोटिंग बॉडी इज स्लाइटली टिल्ट, मतलब दोस्तों जो बॉडी फ्लोट हो रही है वो अगर टिल्ट हो गई थोड़ी सी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, द सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट, मतलब बॉयंसी शिफ्ट होगी, द पॉइंट एट विच वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द न्यू पोजिशन है सेंटर ऑफ बॉयंसी, वो क्या होगी? मीट होगी, दैट इज कॉल्ड, वो जो इनिशियल लाइन है उसे हम दोस्तों मेटा सेंटर कहते हैं। सो हमने अभी मेटा सेंटर देख लिया। तो दोस्तों, थोड़ी बात करते हैं हम डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या है दोस्तों? मास अपॉन वॉल्यूम। दोस्तों, ऐसा यूनिट है डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो।